72 हुरे का टीजर रिलीज कर दिया गया है और रिलीज के साथ ही कट्टरपंथियों ने बवाल काटना भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर ट्रेंड कर रहा है, यूजर्स को ये काफी पसंद आ रहा है। फिल्म के प्रति लोगों की उत्सुकता भी बढ़ रही है। एक और जहां अधिकांश लोग टीजर देखने के बाद तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कट्टरपंथी बुरी तरह से बौखला गए हैं। सोशल मीडिया ट्रोल्स जमकर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मेकर्स को गालियां तक दे रहे हैं फिल्म बनाने के लिए। कुछ तो फिल्म के टीजर को ओडिशा में हुए रेल हादसे से ध्यान भटकाने की साजिश तक करार दे रहे हैं। धर्म की आड़ में आतंक को पनाह देने वाली कहानी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं। लोग फिल्म को लेकर भला बुरा कह रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मूवी को लेकर जब मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात की गई, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो फिल्म का नाम दिया गया है यही पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके की फिल्में जो बन रही हैं, सबसे पहले तो ये है कि ये मजहबों को और मजहब के अंदर उसके धर्म के अंदर जो उसके रुकन है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके की फिल्में बननी नहीं चाहिए। हूरों का मामला, जन्नत का मामला या जहन्नम का मामला है, ठीक है, वह हमारे नज़दीक जो भी है हमारे अल्लाह के फरमान के मुताबिक, रसूल पाक के फरमान के मुताबिक, तो हमारे हुजूर ने जो हमें बात बताई है हम उसी को फॉलो करेंगे। मजहब इस्लाम का जो खुलासा है वो अल्लाह के रसूल है हजरत सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा। जो होती हैं वो जन्नत की हूरें हैं, वो एक उसका जिक्र है और वो एक रूह है, और वो रूह जो है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें हमारे बुजुर्गों ने कहा कि तुम इबादत करो ये करो या जो भी अपने मजहब में धर्म के अंदर अगर आप कोई नमाज़ें पढ़ेंगे सब अरकान अदा करेंगे तो आपको हुरे मिलेंगी, बेशक मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुरे हमारे किसी मतलब ये कि नाऊज़ुबिल्लाह हम गलत किसी जहन से सोचें उस बात के लिए। वहीं संभल के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए सर, ये जो है ना सब नफरत फैलाने की जो है ना मशीनें बना रखी हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी फिल्में बना करके, जैसे कश्मीर फाइल है, केरला है, अभी 72 हुरे बना दी, तो ये सब बकवास है। ये देश को जलाने और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा है। जैसे इंडिया के अंदर है RSS, एक बहुत बड़ा संगठन है, ये एक आतंकवादी संगठन है। इसने ना पूरे मुल्क को आफत में दे रखा है, हिंदू मुसलमान को लड़ा रखा है, और हिंदुस्तान की मासूम जनता इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जब समझेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। 72 हुरे जो इस्लाम में तशद्दुद करेंगे, ये लोगों को आतंकित करेंगे, दहशत फैलाएंगे, तो इस्लाम में ऐसे लोगों का कोई तस्वुर नहीं है और इस्लाम सख्ती के साथ ऐसे लोगों की मुखालफत करता है। इस्लाम अमन और सुकून का मजहब है। इस्लाम अपने मानने वालों को अमन की तालीम देता है, सुकून की तालीम देता है। मुआशरे के अंदर अच्छे से रहो, सुकून से रहो, दूसरों को सुकून से रहने दो। ये तस्वुर बहुत गलत है। इस्लाम में कभी भी किसी के बारे में भी कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया गया है के इस्लाम को मानने वाले दूसरे की जान ले। तो ये फिल्म का एडवर्टाइज हो रहा है और इसको नुमाइश के लिए लाया जा रहा है, इसमें सब गुमराही और लोगों के जहनों में बुराई पैदा करने के लिए, दूसरे से बदजनी पैदा करने के लिए, कौमी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए ऐसा पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। द केरला स्टोरी के बाद इस फिल्म को लेकर भी हंगामा होना लगभग तय ही माना जा रहा है। मेकर्स के मुताबिक ये फिल्म आतंकवाद और ऐसे लोगों के विरुद्ध है जो धर्म का हवाला देकर युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल कर दिया जाता है। फिल्म 72 हुरे में दिखाया जाएगा कि कैसे जिहाद के नाम आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि लोगों को ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में जहर भरकर उन्हें आतंकी बनाया जाता है। फिल्म में ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से आतंकियों को ट्रेनिंग के दौरान भरोसा दिलाया जाता है कि मरने के बाद जन्नत में उनकी सेवा 72 कुंवारी लड़कियां करेंगी। आपको बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संजय पूरन सिंह हैं। आमिर बशीर और पवन मल्होत्रा स्टारर 72 हुरे 7 जुलाई 2023 को थिएटर में रिलीज होगी।